नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ग के माध्यम से हम आयुर्वेद के सूक्ष्मतम जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको हम सूक्ष्म स्वरूप से लेकिन सरल स्वरूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो हम समझते जाते हैं। आप भी अपनी नोट बनाते रहिए और आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आप भेजते रहिए। आपका जो उत्तर है वो वीडियो के द्वारा या पर्सनलाइज आपको भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में, इस सेशन में। नमस्ते। सरल आयुर्वेद की श्रेणी में हम अग्नि तत्व महाभूत के जो गुण है उसकी बात पिछले सेशन में कर रहे थे। हमने तीन गुणों की बात समझी थी। आगे बढ़ते हैं चौथे गुण विशद गुण के लिए। तो विशद गुण वो भी अग्नि तत्व का एक गुण है। तो हमको मालूम है विशद मतलब जो स्वच्छ करने वाला है वो। तो जहां जहां पर हमने पहले भी देखा चिकनाहट होती है तो वहां पर हम उसको साफ करने के लिए अग्नि तत्व का प्रयोग करते हैं। जैसे कपड़ों में चिकनाहट है या फिर बर्तन में चिकनाहट है तो वहां पर क्या करते हैं, तो हम वहां पर नींबू जैसे, सोडा जैसे अग्नि तत्व वाले तत्व का प्रयोग करते हैं जिससे वो साफ हो जाता है। हम अभी टीवी पे एडवर्टाइज भी आती है कि तुम्हारे पाउडर में क्या है, नींबू की ताकत, 100 नींबू की ताकत, 200 नींबू की ताकत। तो ये नींबू की ताकत मतलब हुआ अग्नि गुण। तो वो कपड़ों के दाग को कम कर देता है, निकाल देता है, तो स्वच्छ करता है। बर्तन में रही चिकनाहट, उसका जो जो चिपका हुआ जो गंदा जो भाग है उसको कौन साफ करता है, तो वो अग्नि तत्व वहां पर चाहिए। और इसके साथ अगर गर्म पानी डालकर हम धोते हैं तो और भी जल्दी से वो दाग धब्बे चिकनाहट निकल जाती है। तो ये हुआ वही चीज हमने मुख को साफ करने के संदर्भ में आगे के गुण के में बताया कि मुंह में अगर चिकनाहट है, मुंह गंदा है तो क्या करेंगे, तो वही अग्नि तत्व वाले अदरक या दालचीनी वो मुंह में रखते हैं तो उसके वो साफ हो जाते हैं। दातुन साफ करने के लिए भी जो है तो वहां पर काली मिर्च है, सौंठ है, लौंग है, ये जो तत्व है उसके साथ वो करेंगे अगर बहुत गंदा हो गया है तो। ये सारी चीजों को हम साथ में लेकर अगर उसे साफ करते हैं तो वो एकदम से दांत भी साफ होते हैं। दांतों के बीच की जो दरारें हैं वहां पर जो कचरा है वो भी निकल जाता है। तो ये स्वच्छता करने वाला विशुद्ध गुण जो है वो अग्नि तत्व का गुण है। जैसे अग्नि तत्व वो स्वच्छ करने वाला है। बारिश के मौसम में मालूम है पूरी हर एक जगह पर मतलब वो चिकनाहट लगती है, वेदर एकदम से वो चिकना चिकना, पूरा बॉडी चिकना, बाहर भी निकलो तो जहां जहां पर भीगा 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 रहता है तो गंदा लगता है हमें। तो कादो कीचड़ है सब गंदा लगता है, फिर मच्छर होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो ये सारी बात गंदगी है। तो उसको स्वच्छ कैसे करें, तो हम कितना भी काम करेंगे, कितना भी स्वच्छ करने की कोशिश करेंगे हमसे उतना क्लीन नहीं होता है। एक बार सूर्य नारायण प्रकट हो गए और धूप, एक बार तीखी धूप आ गई तो सब साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तीक्ष्णता उष्णता वो सब जो द्रव उनके जो गुण है उससे वो सब नष्ट हो जाते हैं। गंदगी दूर करने वाला कौन है, तो अग्नि तत्व है, वही सूर्य नारायण उसके प्रतिनिधि स्वरूप है। तो ये स्पष्ट है, विषाणु है, जीवाणु है, इवन तब तक बोल सकते हैं कि मच्छर को भी वो साफ कर देता है, तो वो अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि तत्व
का जो विशद गुण है वो सृष्टि में भी और हमारे शरीर में भी वही काम करता है। जैसे समझ लो कि शरीर में बहुत सारे, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर बुखार भी जो है तो वो भी एक तरीके से हमारे शरीर में जो प्रकोपित दोष है वो दोष को पकाकर बाहर निकालने का काम करता है। तो बुखार अगर आता है, शरीर तपता है, शरीर गर्म होता है, तो वो हमारे शरीर के भीतर जो विषाक्त द्रव्य पैदा हुए उसको साफ करने के लिए भी है। सिर्फ वहां पर ध्यान रखना है कि ताव जो बुखार है उसका टेम्परेचर को एकदम से डाउन न करते, थोड़ा बना के रखे, कंट्रोल में रखे, और जैसे ही विषाक्त तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं तो बुखार अपने आप कम हो जाता है। तो ये बुखार आना जो भी है वो भी यही विषद गुण के आधारित है। कफ अगर बढ़ गया है तो फिर वो फीवर आता है, तो वो क्यों बनता है, तो वो भी विषद गुण के आधारित ही है। तो ये विषदता जो दूर करने वाला है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के जो द्रव्य है उसमें तीन स्वाद, मतलब उसको रस बोलते हैं संस्कृत में, तो तीन स्वाद वो महत्व के हैं, वो मौजूद रहते हैं, एक अम्ल, लवण और कटु। अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, और कटु, कटु मतलब कड़वा नहीं, वहां पर तीखा होता है। तिक्त मतलब कड़वा और कटु मतलब तीखा, ये हमें याद रखना है। संस्कृत में उसका अर्थ अलग है, कहां से हमने बदल दिया वो पता नहीं, संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन कटु मतलब तीखा। तो ये जो अग्नि तत्व वाले कोई भी आप द्रव्य लो, ये तीन स्वाद में से रहेगा। जैसे नींबू ले लो, मिर्ची ले लो तो तीखी रहेगी, नींबू लो खट्टा रहेगा, काली मिर्च ले लो वो तीखा रहेगा। तो ये तीन जो है वो तीन तत्व वाले, तीन स्वाद वाले जितने भी द्रव्य है वो स्रोतो शुद्धि करते हैं। मतलब शरीर में जो स्रोतस है, जो नाड़ी है, जो जितने भी हमारे जो ड्रेन है वो सबको क्लीन करने वाला है। इसलिए उस क्यों क्लीन करता है, क्योंकि वो विशद गुण वाला है। तो स्रोतो शुद्धि के जो कार्मुकत्व है, जो जो आयुर्वेद जो डॉक्टर्स है जब वो चिकित्सा करते हैं तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए औषधों की चयन करते हैं, औषधों का प्रयोग करते हैं। तो ये विशद गुण है, स्रोतो शुद्धि करने वाला भी है अग्नि तत्व। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट जो गुण आएगा, आगे का गुण है सूक्ष्म। सूक्ष्मता वो अग्नि तत्व का गुण है। तो हर कोई अग्नि तत्व वाला जो द्रव्य है वो सूक्ष्म होता है। देखो अभी व्यवहार में हम देखेंगे, सृष्टि में अगर देखें तो सूर्य, सूर्य की किरणें जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह तक पहुंच जाती है, हर एक कोने तक पहुंच जाती है। तो ये जो सूर्य है वो सूर्य भी क्या है, तो सूर्य भी हुआ अग्नि तत्व। तो सूर्य की किरणें सूक्ष्मतम जगह पर पहुंचती है। वैसे अग्नि तत्व मतलब अग्नि से अगर कहीं पे भी हम गर्म करते हैं, बाहर से भी गर्म करते हैं, तो अंदर तक जाती है, हर एक अणु परमाणु तक, सूक्ष्म तक पहुंच जाता है गर्मी। तो जहां जहां पर अग्नि तत्व है वहां पर सूक्ष्मता मौजूद है। तो ये जो हमने पहले बताया कटु, अम्ल और लवण, ये तीन रस वाले, तीन स्वाद वाले जो द्रव्य है वो भी अपने सूक्ष्म गुण के कारण सूक्ष्मतम मतलब दूर तक डेप्थ में पहुंच सकते हैं। और वो डेप्थ में जो पहुंचेगा, गहराई तक जो पहुंचेगा, वो ही स्रोतो शुद्धि करता है। तो स्रोतस शुद्धि के लिए, स्रोतस क्या है वो आगे देखेंगे, लेकिन वो उतना हमारे काम का नहीं है, वो जिनको चिकित्सा करनी है उनके काम का है। मतलब हमारे शरीर में अलग अलग स्रोतस है, उसके लिए हम एक बार ऊपर ऊपर से समझेंगे। तीसरी अगर बात देखें तो जो अग्नि तत्व है वो सूक्ष्म है, तो वैसे तेज गुण वाला है, मतलब जो बुद्धिमान है वो तेजस्वी जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या करता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो अग्नि तत्व से प्रभावित है। बुद्धि वो अग्नि तत्व का गुण है, जिसको हम तेजस्वी था, वो न्यूज़पेपर आते हैं ना कि हमारे राज्य के तेजस्वी सितारे, तो तेजस्वी शब्द क्या है,
तो ये तेजस मतलब अग्नि, तो जहां जहां पर अग्नि मौजूद है वहां सूक्ष्मता है, मतलब वहां गहराई तक है। जो बुद्धिमान है, जो तेजस्वी है, वो क्या करता है, तो जटिल से जटिल समस्या का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करते हुए वो उसका उपाय निकालता है, सॉल्यूशन करता है। तो वो भी अग्नि तत्व से आधारित है, तो भी अग्नि का गुण है सूक्ष्मता। तो ये सारे गुण थे अग्नि तत्व वाले जो द्रव्य है सृष्टि में और शरीर में, तो उनके ये सारे गुण है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमने पहले से शुरू किया है, तो जो जो सृष्टि में मौजूद है, जो जो गुण सृष्टि में मौजूद है, जो जो कार्मुकत्व सृष्टि में है, वो ही चीज हमारे शरीर के भीतर है। तो हम ये ब्रह्मांड से अलग नहीं है, हमारा शरीर भी अलग नहीं है। तो जो कुछ बाहर होता है वो ही चीज हमारे भीतर भी होती है। शरीर और सृष्टि दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये समझने की कोशिश हम पांच महाभूत के ये गुण धर्म कर्म से करते हैं। अभी आगे ये हमारा अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व के धर्म के बारे में हम बात कर ले, तो उसका धर्म क्या है, तो शब्द स्पर्श और रूप, ये तन्मात्रा से बना हुआ अग्नि तत्व है। तो अग्नि जहां जहां पर रहेगी तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर शब्द मतलब आवाज आती है, गैस जलाओ आवाज आ गई, स्टोव लगा आवाज आ गई, अग्नि प्रकट हुआ आवाज आएगी, स्पर्श स्पर्श करो पता चल जाएगा ये अग्नि तत्व है, और रूप दिखता है, प्रकाशित है तो तुरंत दिखता है। तो अग्नि तत्व वाला जो है वो कैसा है, तो उसका धर्म जो है, तो वहां पर वहां उसका अग्नि तत्व वाला जो है वहां रूप कहां से दिखता है, तो रंग से दिखता है। तो नॉर्मली वो होता है लाल, पीला, चमकीला, केसरी, ये सारे उसके रंग है अग्नि तत्व के। तो जो वैसे भी हम तेजस्वी, अगर कोई बड़ा तेजदार व्यक्ति को देखते हैं तो उसका चेहरा पर जो है ना वो चमक दिखती है, वो चमकीला दिखता है, तो अग्नि तत्व है। तो चेहरे पर एक चमक दिखती है, जो दिखती है चमकीला जो दिखता है, तो वो क्या है, अग्नि तत्व वहां पर मौजूद है। अग्नि तत्व की सबसे ज्यादा असर जो होती है तो कहां पर होती है, तो हमने बोला चक्षुन्द्रिय उसका अधिष्ठान है, तो आंखों में होती है। समझ लो कि जैसे हम धूप में निकलते हैं तो पूरे बदन को इतना तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हमारे आंखों को जलन होती है, तो तुरंत हम काला चश्मा पहनते हैं उससे बचाने के लिए। तो अग्नि तत्व का अधिष्ठान है आंख, तो तुरंत वहां पर उसका इफेक्ट होता है। अगर धूप में हम चलने लगे नंगे पांव, तो पांव के तलवे की जलन जो है वो आंख में आती है, आंख की तेजस मतलब वहां पर रोशनी कम हो जाती है, आंखें बिगड़ जाती है, ऐसा हम बोलते हैं। क्यों होता है, कि उसका जो बैड इफेक्ट है वो हमारे आंखों पे होती है। वैसे अग्नि तत्व वाले अगर समझ लो कि मिर्ची जो है उसको ग्राइंड होती है, तो हमारे पूरे बदन में कुछ नहीं होगा, आंख में जलन होगी, आंख में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। प्याज काटते हैं तो कुछ नहीं होता है पूरे बदन में, लेकिन आंखों में से पानी निकलता है, आंखों में जलन होती है। तो धूप में अगर रसोई बन रही है, नॉर्मल घर में बनेगी तो वहां पर नहीं लगे, अगर आप धूप में रसोई बनाते हैं तो तुरंत आंखें जलने शुरू हो जाएगी। तो रूपेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय अधिष्ठान है अग्नि तत्व का, जहां जर अग्नि तत्व आता है वहां तुरंत उसकी इफेक्ट जो है वो आंखों में दिखती है, चमक आंखों में दिखती है, जलन आंखों में होती है। तो ये सारा जो धर्म है वो अग्नि तत्व वाले द्रव्यों का है। आगे उसके जो कर्म है, कर्म के लिए हम देखेंगे अग्नि तत्व वाले कर्म क्या है, वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।